नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार में एक दिन में 75,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट मिले, 3,995 नए मरीज। बिहार में कोरोना जांच की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को 75,426 लोगों की जांच हुई, इसमें से 3,992 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें सर्वाधिक 534 संक्रमित पटना जिले से मिले हैं। वहीं शनिवार को कोरोना संक्रमण की वजह से और 19 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 5 महीने में कोरोना के 9.46 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें 75,786 पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,408 लोग कोरोना के पराजित करने में सफल हुए हैं। अब तक 48,673 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट 64.22 हो गया है। शुक्रवार को पटना से 534 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पटना के अलावा अररिया में 106, बेगूसराय में 210, भोजपुर में 119, बक्सर में 131, पूर्वी चंपारण में 139, गोपालगंज में 102, कटिहार में 193, मधुबनी में 117, मुजफ्फरपुर में 118, नालंदा में 120, रोहतास में 131, समस्तीपुर में 147, सारण में 111, वहीं सीवान में 107, वैशाली में 160 और पश्चिमी चंपारण में 102 पॉजिटिव मिले हैं। देश में कोरोना से अब तक 196 डॉक्टरों की हुई है मौत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने शनिवार को बताया कि कोविड-19 से अभी तक देश में 196 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इनमें से अधिकतर सामान्य चिकित्सक हैं। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से इस मसले पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। IMA ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हमारा देश 196 डॉक्टरों को खो चुका है, जिसमें से 170 डॉक्टर 50 वर्ष से अधिक हो चुके थे। CM नीतीश कुमार ने दिए निर्देश, कहा सड़कों की तरह ही सरकारी भवनों के रखरखाव की बने पॉलिसी। मुख्यमंत्री ने किया 264 भवनों का लोकार्पण और 99 भवनों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि जिस तरह से सड़कों के रखरखाव के लिए नीति बनी हुई है, उसी तरह से सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी ठीक ढंग से बन जानी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने 28 महकमों के लिए 1725.71 करोड़ की लागत से बने 264 भवनों का उद्घाटन हुआ। 2685.84 करोड़ की लागत से बनने वाली 99 भवनों का शिलान्यास किया। उन्होंने परिवहन निगम के मुख्यालय सहित परिवहन परिसर निर्माण, पटना जिला परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण सहित 500 बस स्टॉप निर्माण योजना का शिलान्यास भी किया। जिला परिवहन कार्यालय औरंगाबाद, सहरसा, मधुबनी, भागलपुर एवं जमुई में बने नए भवनों का उद्घाटन किया तथा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 1,000 लाभुकों के बीच अनुदान राशि का भी वितरण किया गया। पूर्वी कोसी तटबंध का CM ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव के साथ कोसी नदी पर बने पूर्वी तटबंध और उनके 10 किलोमीटर स्पेस पर पहुंचकर कोसी की बाढ़ व संरचनात्मक कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने संरचनात्मक कार्यों पर संतुष्टि जाहिर करते हुए नेपाल प्रभाव को भी इसी तरह बचाए रखने का निर्देश दिया। कटाव निरोधी कार्यों का मुआयना भी किया। PM मोदी ने दिया नया नारा, गंदगी भारत छोड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी को समर्पित किए गए इस केंद्र में लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और स्वच्छता के फायदे के बारे में बताया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया। महात्मा गांधी ने आज ही के दिन आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन शुरू करते हुए भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसी तर्ज पर PM ने भी गंदगी भारत छोड़ो का नया नारा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी जी का अभियान था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हम लोग अभियान चला रहे हैं गंदगी भारत छोड़ो। देश को कमजोर बनाने वाली बुराइयां भारत छोड़ो, इससे अच्छा और क्या होगा। PM किसान की छठी किस्त आज मिलेगी। किसानों की बहुप्रतीक्षित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त रविवार को उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मद के लिए 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करेंगे। इसका सीधा लाभ देश के 8.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। उनके बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपए जमा होंगे।
रबी सीजन शुरू होने से पहले ही यह किस्त किसानों के खाते में जमा कराई जा रही है। किसानों के बीच पीएम किसान के नाम से मशहूर इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इसके तहत हर साल देश के प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 6000 रुपए का भुगतान 3 किस्तों में कराया जाता है। कोरोना संकट के दौरान उनकी चुनौतियों को देखते हुए किसानों की मदद के उद्देश्य से दोनों किस्तें जायद और खरीफ एक साथ प्रदान की गई थी। लॉकडाउन की मुश्किलों से निपटने के लिए किसानों के खातों में उस समय कुल 22000 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। नई शिक्षा नीति के विरोध में आंदोलन। नई शिक्षा नीति वापस लो के नारे के साथ आईसा 12 अगस्त से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेगी। राज्य में भी आंदोलन की शुरुआत होगी, तमाम जिलों में प्रदर्शन होंगे। छात्र नेता आकाश ने कहा कि आईसा के 3 साल के इतिहास आंदोलनों का इतिहास रहा है। कम समय में देश का क्रांतिकारी छात्र संगठन बना। वर्तमान समय में भी देश शिक्षा रोजगार बचाने की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा, नई शिक्षा नीति के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगा। पीयू के शिक्षक व कर्मचारियों ने किया नई पेंशन स्कीम का विरोध। पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम का विरोध किया है। पीयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार ने कहा है कि यह निर्णय पटना विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 1976 के धारा 36 की खंडिका 7 के बिल्कुल विपरीत है। नई पेंशन स्कीम लागू होने से शिक्षकों और कर्मचारियों का पुराना पेंशन तो बंद होगा ही, पारिवारिक पेंशन भी नहीं मिलेगा। यह कर्मियों के परिवार को सेवानिवृत्ति के पश्चात जीवन यापन के लिए मिलता था। इससे शिक्षकों कर्मचारियों में काफ़ी असंतोष है। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम के तहत जहां राज्य कर्मियों के वेतन व महंगाई भत्ता की 10% राशि बदले राज्य सरकार 14% राज्यांश देती है, जबकि विश्वविद्यालय के लिए 10% कटौती पर राज्य सरकार 10% ही राज्यांश के प्रावधान किया है, जो बिल्कुल अनुचित है। बोर्ड पैटर्न पर होगी 3री, 5वीं और 8वीं की परीक्षा। देश में नई शिक्षा नीति के तहत 3री कक्षा, 5वीं कक्षा एवं 8वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर होगी। 10वीं कक्षा एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेगी। इसमें खास बात यह होगी कि छात्राओं को साइंस, आर्ट्स और वोकेशनल जैसे संकायों को बांटने की चली आ रही पारंपरिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। संकाय की दीवारें टूटने से नई व्यवस्था में छात्राओं को विषय चुनने की आज़ादी होगी। फार्मासिस्ट व ANMA की अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ समाप्त। संघ ने कहा मानदेय की विसंगति को दूर करने पर स्वास्थ्य मंत्री की बनी सहमति के बाद हड़ताल हुआ समाप्त, आज से लौटेंगे काम पर। बिहार में पिछले 5-6 दिनों से चल रही फार्मासिस्ट एवं ANM की अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई। संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ स्वास्थ्य मंत्री से हुई वार्ता के बाद हड़ताल से वापस होने का निर्णय लिया गया। 9 अगस्त से सभी अपने काम पर लौट जाएंगे। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन बिहार के बैनर तले सभी गत 15 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। एक सूत्री मांग मानदेय विसंगति को लेकर फार्मासिस्ट एवं ANM की हड़ताल पर थे। मानदेय विसंगति को लेकर हड़ताल कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव भी किया था। सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल, बन रहा है प्लान। 5 घंटे की होगी स्कूल अवधि, 3 ही घंटे क्लास में रहना होगा अनिवार्य। कोरोना संकट के बीच चर्चा है कि सरकार अब स्कूलों को अनलॉक कर सकती है। 1 सितंबर से नवंबर के बीच चरणबद्ध ढंग से स्कूलों को खोलने का प्लान है। केंद्र सरकार 31 अगस्त तक इस बारे में गाइडलाइन जारी कर सकती है। हालांकि आखिरी फैसला राज्य सरकारें ही लेगी। सबसे पहले असम सरकार ने यह कहा था कि यह 1 सितंबर से स्कूल खोलने को तैयार है, उसे केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि हालात ठीक रहे तो राज्य में 5 सितंबर से स्कूल खोले जा सकते हैं। इधर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी शुरुआत 10वीं और 12वीं की कक्षाओं से होगी, फिर 9वीं से 6ठी कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। स्कूल केवल 5 घंटे ही लगेंगे, इनमें से 3 घंटे तक ही बच्चों को क्लास में बैठना अनिवार्य होगा। 15 अगस्त को छात्रों को नहीं बुलाएं स्कूल, मुजफ्फरपुर DO ने दिए आदेश। मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा अधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी ने सभी स्कूलों को प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में किसी भी छात्र और अभिभावक को नहीं बुलाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर ही झंडोत्तोलन किया जाए। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ दुनिया की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।